जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई। महागठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। जातीय गणना के तहत कांग्रेस ने बिहार को लेकर कौन सी कर दी बड़ी मांग, देखते रिपोर्ट। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद संख्या के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार से बिहार में 3 नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। जातीय गणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने यह मांग उठाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी में नारे एवं परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है कि कहावत को चरितार्थ करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में एक एक मुस्लिम, अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादव की संख्या 14% से ज्यादा है। यादव जाति के डिप्टी सीएम तेजस्वी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग ही आबादी का लगभग 36% है, लेकिन इनके हिस्से से कोई डिप्टी सीएम नहीं है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 19.65% और मुसलमान 17% है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 3 नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग सीएम नीतीश कुमार से की है। ब्यूरो रिपोर्ट।